थ्री टू वन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो DSSP की PGT की वैकेंसी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए कि आप फॉर्म को फिल कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपके इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि एम आई एलिजिबल और नॉट, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये वैकेंसी थी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/20 है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्म की ओपनिंग होगी 14 जनवरी को और 13 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट है PGT की ग्रुप बी की ग्रेड पे है, जिसका 4800 रुपए। सब्जेक्ट की कौन कौन सी वैकेंसी आई है, इसमें आई है बायोलॉजी, कॉमर्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत और पंजाबी। बात कर लेते हैं कि एम आई एलिजिबल और नॉट, जो कि हमारे इस वीडियो का मुद्दा है बेसिकली, कि क्या एलिजिबल है या नहीं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको चाहिए मास्टर डिग्री। अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। मास्टर डिग्री किसमें, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट कंसर्न में आपके पास मास्टर डिग्री हो, और वो भी किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपको के पास या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा हो ट्रेनिंग या एजुकेशन में। बाय चांस अगर आपके पास नहीं है, आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में, तो क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आपने PhD डिग्री की हो सब्जेक्ट कंसर्न में। सब्जेक्ट कंसर्न में आप PhD डिग्री होल्डर हैं किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने PhD भी नहीं किया तो आपको क्या करना है, आपके को फर्स्ट डिवीजन मिली हो हाई सेकेंडरी में, डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में, और उसके लिए जो आपके मैंडेटरी कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि आपको ज्वाइनिंग के 3 इयर्स के अंदर आपको BEd और BT क्वालिफाई करना होगा। ये जो टर्म है वो 3 इयर्स की है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो विद इन 3 इयर्स आपको ये कंप्लीट करना होगा। ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी PGT की सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी, मैथ, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, तो सबकी जो है क्वालिफिकेशन यही रहेगी। आपने मास्टर्स की हो सब्जेक्ट कंसर्न में, डिग्री डिप्लोमा किया हो, डिग्री डिप्लोमा नहीं किया तो PhD डिग्री होल्डर हो, PhD भी होल्डर नहीं है तो आपको BEd या BT करना पड़ेगा 3 साल के अंदर ज्वाइनिंग में, वो भी तब जब आप जो है फर्स्ट डिविजन होल्डर हो, हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। तो आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप आपने ये वीडियो आपकी सोल्व हुई होगी इसका पर्पज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you so much.